गाना तेरे को डर नहीं लगता? कैसे डिप्रेशन में? कर दूं तेरा डिप्रेशन खत्म। तो फाइनली कुल मिलाकर आ चुके हैं एक कोर्नी गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस। अब यार देखो 3.4 का अपडेट आ चुका है और मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हूँ। अब यार देखो उसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को जहाँ तक पता है कि यार मैं थोड़ा सा जॉब वॉब करता हूँ, तो यार उसके कारण कि मेरे को सिर्फ रात में टाइम मिलता है, तो कभी एडिटिंग कर पाता हूँ कभी नहीं कर पाता हूँ। और जब जब अपडेट आता है तो यार सेंसिटिविटी में थोड़ा बहुत लोचा होता है, तो उसको मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये मेरा पहला गेम प्ले है जो कि अपना अपडेट आने के बाद मैं पहला खेलता हूँ, और इसी के अंदर मैं आपको आज सेंसिटिविटी भी देने वाला हूँ। और सेंसिटिविटी तो आपको पता ही है, जो भी लोग मेरी सेंसिटिविटी यूज़ करते हैं वही वो उन सबको पता है कि यार कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि अपनी क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज और सबसे मेन चीज़ की स्प्रे, अब 3x हो या 4x हो या रेड डॉट हो या फिर अपना मतलब कोई भी हो, तो अपना स्प्रे किस टाइप का रहता है और अपनी मतलब पूरी सेंसिटिविटी ऑल ओवर किस टाइप की रहती है। अब पहले की सेंसिटिविटी और अब की सेंसिटिविटी में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखना। अब यहाँ पे पूरे 3 बंदे आते हैं जिनमें से एक को मैं नॉक करता हूँ, और भाई इनको अभी तक गन नहीं मिली है, तो देखो इनको कैसे निपटाता हूँ। अब ये बेचारा यार यहाँ पे इतना फड़फड़ा रहा था। अब यार देखो मेरे पास भी गन नहीं होती तो भाई मैं भी यहाँ पे इतना ही फड़फड़ा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, यहाँ पे सबसे पहले पहुँचने का एक यही फायदा होता है। अब नीचे की साइड में एक बंदा था, फटाफट से इसको नीचे कूद के फटाफट इसको नॉक करता हूँ। अब एक बंदा इधर की साइड में होता है जो कि यार पूरा यहाँ से जा चुका था, लेकिन सबसे पहले मैं अपने किल सिक्योर करता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इनको नॉक कर ही दिया था, अब अंदर की साइड में और बंदे थे तो मैं इसलिए फटाफट से अंदर चलता हूँ। अब यहाँ पे उतरते यार तुम्हारे भाई ने 5 किल यहाँ पे निपटा दिए थे, और भाई ये मेरा पहला गेम प्ले था जब से अपडेट आया है। अब यार देखो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सेंसिटिविटी बनाने में भी थोड़ा मुझे टाइम लग रहा था, एंड आप लोगों को भी देना था तो उसके लिए मेरे को थोड़ा वीडियो क्रिएट करना था, तो सेंसिटिविटी थोड़ी सी मैं ज़्यादा अच्छी बनाता हूँ क्योंकि देखो आप लोगों को भी देना होता है, तो फिर उसके बाद मैं क्रेडिट देते हो आप लोग, तो अच्छा बुरा उसका टेंशन रखना पड़ता है। अब उसकी टेंशन मत लेना, सेंसिटिविटी तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बस आपको एक छोटा सा गेम प्ले, बहुत छोटा सा जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और इसी के अंदर मैं आपको सेंसिटिविटी दूंगा। और अब देखो मेरे यहाँ पे 5 किलो जाते हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे भी कुछ बंदे होते हैं तो फटाफट उनको निपटाता हूँ और फिर आपको सेंसिटिविटी देता हूँ। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कोई सा भी अपडेट हो भाई कैंपिंग जबरदस्त चलती है, तो देखो अब यार इस वाले बंदे में भाई स्किल्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भाई इसको कैंपिंग करनी थी, कैंपिंग करके मारना था। खैर देखो इसको निपटा देते हैं, और भाई यहाँ पे और भी बंदे होते हैं तो फटाफट सबसे पहले कवर में आता हूँ और हीलिंग करता हूँ क्योंकि ऊपर भी कुछ बंदे होते हैं, फटाफट से हीलिंग करता हूँ और फिर पेलता हूँ इनको। अब यहाँ पे ऊपर जो बंदा होता है इसने भाई जैसे बंदे को निपटाया था ऊपर आते ही मैं इसको निपटा देता हूँ, और सामने से इस भाई का फुट आता है तो भाई इसको भी जल्दी से निपटा देता हूँ। अब यहाँ पे और बंदे होते हैं उनको निपटाऊँ, उससे पहले यार वीडियो को अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो फटाफट से यार लाइक कर लेना, या फिर मैं बोलता हूँ अभी भी आप लाइक मत करना। जब आपको अगर ये सेंसिटिविटी कमाल की लगती है और अगर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखता है सेंसिटिविटी के अंदर, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, भाई सच बोल रहा हूँ मत करना लाइक, अब तो आप बिल्कुल मत करना। जब आपकी सेंसिटिविटी एक गजब के काम करेगी, जो भी लोग नए हैं और जो पुराने हैं उन सभी को पता है वो मेरी सेंसिटिविटी यूज़ करते हैं और वो भाई आतंक मचा देते हैं, तो वो लोग तो यार लाइक कर ही लेना, लेकिन जो लोग नए हैं जिनको नहीं बिलीव है, तो पहले आप सेंसिटिविटी यूज़ करना, उसके बाद में आप वीडियो को आके लाइक कर देना, और अगर नए हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना, लेकिन फिलहाल मैं आपको सेंसिटिविटी दूंगा उसके बाद में। अब देखो यहाँ पे इनको निपटाता हूँ जल्दी से, इनको निपटाने के बाद में और बंदे होते हैं अंदर की साइड में, तो उनको भी निपटाने चलते हैं। अब जैसा कि यार आप सभी लोगों के लिए न्यू अपडेट है, मेरे लिए भी न्यू अपडेट है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ पता नहीं था, बट मेरा टीममेट यहाँ पे बताता है कि भाई यहाँ पे रिकॉल का है और उसको रिकॉल करना था, तो वो स्मोक करके रिकॉल वगैरह करने जाता है, तो देखना यहाँ पे मेरा टीममेट तो यहाँ पे रिकॉल करने में मस्त है, लेकिन भाई मैं यहाँ पे समझ गया था कि यहाँ पे कुछ तो कैंपिंग चल रही है, और होता भी वैसे ही है जैसे ही वो ये रिकॉल वगैरह क्या होता है घंटी वंटी जो भी, यार मेरे को कुछ नहीं पता, आप लोग कमेंट में बता देना। अब यहाँ पे मेरे को आता है बंदे का साउंड, तो देखो अब उसको कैसे निपटाता हूँ। अब इसको तो यहाँ पे एकदम इजी तरीके से मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन इसके और भी बंदे होते हैं जो कि यार मतलब पीछे वाले गेट से आते हैं। अब यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पे कितने गेट हैं, लेकिन सबसे पहले इसको फिनिश डालता हूँ। इतने में भाई इसके टीममेट आ जाते हैं, तो उनको भी निपटाते हैं फटाफट से।
इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारा किल कोई और चुरा ले तो कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि यार चमन चाचा के बारे में आप सभी लोगों को बताएं कि भाई मेरे कितने ज़्यादा किल चुराए जाते हैं, जबकि मैं 30 35 किल 25 किल करता हूँ, तो मेरे किल चुराने में भाई बहुत ज़्यादा माहिर है आप सभी लोगों को, जैसा कि पता है मेरे पुराने वीडियो जिसने भी देखे हैं सबको पता है। तो चमन चाचा के लिए एक छोटी सी टिप्पणी कर देना कमेंट के अंदर। और फिलहाल देखो, आपको ज़्यादा वेट ना कराते हुए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सनसिटी की तरफ। अब आप लोगों को सेंसिटिविटी दूं उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। देखो, जिन लोगों को सेंसिटिविटी कोड की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सैम भाई हमको आपकी सेंसिटिविटी का कोड नहीं मिल पा रहा या फिर एक्सपायर हो गया, तो आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं वीडियो के अंदर जो कि आप सेंसिटिविटी एकदम ईजी यूज़ कर पाओगे। चाहे उसको आप सुबह देखो, शाम को देखो, दो साल बाद देखो, तो जब भी आप ये देखोगे तो आपको सेंसिटिविटी एकदम यूज़ करने को मिलेगी। सेंसिटिविटी कोड का मैं लफड़ाई खत्म कर दूंगा क्योंकि मेरा सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा यूज़ होता है उसके कारण कि बहुत जल्दी कोड एक्सपायर हो जाता है। तो मैं बस जैसा बताऊँ आपको वैसा सेंसिटिविटी यूज़ करना है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि भाई सेंसिटिविटी की हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेरे भाई आप लोग को मैं थोड़ी बोलता हूँ आप जबरदस्ती मेरी सेंसिटिविटी यूज़ करो। देखो, आपका गेम प्ले अच्छा होने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है कि आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी अच्छी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो लोग मेरी बात से सहमत हैं तो यार वो वीडियो को अभी तक देख ही रहे होंगे। क्या देखो, मैं आपको सेंसिटिविटी देता हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ दो बंदे होते हैं जो कि भाई कुछ हरकत कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो इनको निपटाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ तभी भाई इसका एक बंदा मेरे पे पुश करता है। और भाई अभी आपने लॉन्ग रेंज मेरी क्लोज रेंज तो देखा ही होगा, मेरा हिप फायर कितना ज़बरदस्त है, मतलब कि बंदे को मिनट से पहले नॉक कर देता हूँ। अब ये चीज़ देखिए, ये भाई ऐसा नहीं है कि आपका गेम प्ले अच्छा है तो आप कर सकते हो, आपकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा था, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट सेंसिटिविटी दे देता, कुछ फ़र्क पड़ता है। अब देखो, मैं आपको स्प्रे भी दिखाता हूँ। अब वहाँ पे जो उसका सेकंड बंदा होता है वो भाई यहाँ पे भग के आ जाता है, तो मैं गाड़ी लेके उसके पीछे आता हूँ और भाई आते ही मेरे को वो बंदा दिखता है। जैसे गाड़ी रोका, सामने बंदा और मिनट से पहले भाई खत्म, देखा आपने। तो भाई स्प्रे एक ऐसा होता है कि जब भी आप स्कोप खोलो और भाई उस बंदे के ऊपर खोले और बंदा इंस्टेंट खत्म। तो देखो, इन सब चीज़ों के लिए देखो समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं जो लॉकडाउन कीड़े हैं तो उनको मैं नहीं समझा सकता हूँ। खैर देखो, आप लोग सब लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको सेंसिटिविटी देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ समझाता हूँ, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलते हैं अपन अपनी सेंसिटिविटी की तरफ। तो ये लो भाई, अपन आ जाते हैं अपनी अपनी मेन सेंसिटिविटी की तरफ। अरे ये भाई क्या खुल रहा है खैर कोई नहीं, अपन आते हैं अपनी सेंसिटिविटी की तरफ। तो सबसे पहले अपन चलते हैं सेंसिटिविटी में। अब 3.4 का अपडेट जब से आया है तब से मैंने ये चीज़ देखी कि अपनी जो लेंस सेंसिटिविटी है जो कि हर बार थोड़ा बहुत चेंज होता है, इस बार कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं है, जैसा कि पहले थी वही सेंसिटिविटी है, तो आपको यही यूज़ करनी है। और देखो, कोड में जो बता रहा था आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जो नॉर्मल सेंसिटिविटी यूज़ करते हो भाई वो ऐसे कैसी कॉपी कर लेना, और जो आपकी पहले की है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ऐसे कैसे रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस जैसा है वैसे ही रखना है। अब अपन आते हैं अपनी मेन चीज़ के ऊपर जो कि जायरो सेंसिटिविटी है, जो कि अपन सब लोग आजकल खेलने लगे हैं, तो उसमें थोड़ा वो चेंज आया है। अपन देखो, मैं मेन तो जायरो रखता हूँ 340 के आसपास, टीपीपी नो स्कोप 340 है, 340-350 के अराउंड आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा इसमें चेंज कैसे करना है आपको। और FPP नो स्कोप आपको 370 के आसपास रख सकते हो आप लोग, और रेड डॉट आपको रखना है 380 के आसपास, उसके बाद आपको 2 स्कोप रखना है, 200 के आसपास, उसके बाद 3 स्कोप आपको रखना है 300 के आसपास, 4X आपको रखना है 350-340 के अराउंड, आप कुछ भी रख सकते हो, चेंजेस में बताऊंगा आपको करना क्या है। और 6X आपको रखना है 6X रखना है आपको 140 के आसपास, कुछ भी रख सकते हो, और 8X आप देख ही सकते हो 120-125 कुछ भी रख सकते हो। ये तो आपको ऐसे कैसे रखना है। उसके बाद अपन नीचे बात करते हैं सेपरेट सेंसिटिविटी की तरफ। अब ये मैं डिसेबल भी रखता हूँ, इनेबल भी रखता हूँ, डिपेंड करता है, मैं थोड़ा बहुत खेल के देख रहा था, बट आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको इनेबल करके रखना। अब आपको ये इनेबल करके रखना है, इनेबल करने के बाद में जो ऊपर सेंसिटिविटी आपकी वही की वही सेम रहेगी, तो इसमें तो कुछ चेंजेस करना नहीं है, ऑटो सेव हो जाएगी। अब बात रही कोड की, तो देखो यार, जब मैं आपको बोल के एक एक चीज़ समझाया हूँ उस हिसाब से आपको सेंसिटिविटी अपनी वैसे की वैसे रख लेनी है। आपको एक एक स्कोप की मैं बताया हूँ तो कोड की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर भी मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो, बाकी कोड की मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं आप लोगों को। तो सेंसिटिविटी का काम हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अपनी सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट कैसे करनी है आपको। अब जैसे मेरा 3X है मेरा, वो 300 है, तो मेरे लिए वो एकदम परफेक्ट है, ऊपर ना थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सा नीचे। अब आपको क्या करना है कि जो मैंने सेंसिटिविटी बताई है एकदम वैसे की वैसे एकदम कॉपी मार लेनी है,
जो मैंने बताया वैसे ही। अब उसको टेस्ट कैसे करना है, आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर, वहाँ पे आपको स्प्रे चेक करने है। सबसे पहले आपको आपको 2x 3x रेड डॉट जो आप चलाते हो उसका चेक करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा शेक कर रहा है, पहले तो आपको सारे अटैचमेंट लगाने हैं। उसके बाद में आपको चेक करना है कि मेरा ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हिल रहा है, तो आप उस हिसाब से 5 कम कर सकते हो, जैसे 5 पॉइंट कम कर सकते हो। और आपको ज़्यादा लग रहा है कि थोड़ा सा और बढ़ने की ज़रूरत है तो 5 पॉइंट बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप एकदम इतना ही रखना। अटैचमेंट आपको बेस्ट से बेस्ट लगाने हैं और खेलने की थोड़ी सी प्लेइंग स्टाइल आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम लेट के कंबल के अंदर जायरो हिला रहे हो उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं 20 किल कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। और सोच रहे हो कि मेरा स्प्रे बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको खेलने की चाहे आप देखो दिन भर में 2 घंटे खेल रहे हो लेकिन अपना बेस्ट दो। अगर आपको अच्छी केडी मेंटेन करनी है, अच्छे किल निकालने हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा। एकदम जैसे अपन आलती पालती मार के बैठते हैं, ढंग से बैठो। गेमिंग के टाइम नो वेस्ट, नो एनी टाइम, मतलब कुछ भी नहीं देना गेमिंग के टाइम, कुछ भी नहीं, सिर्फ गेमिंग। तो अब उसके लिए मम्मी की चप्पल उड़ के आ जाए तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ, बाकी आप अपने ऊपर हिसाब से देख लेना। अब आपको एक पिल्लो लेके बैठना है और पिल्लो को एकदम जैसे अपने एल्बो के नीचे लगा के रखते हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं, उस हिसाब से फ़ोन को एकदम हैंडल करके, ताकि आप जायरो एकदम हैंडल कर सको। अब देखो यार वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको इतना ज़्यादा समझाऊंगा तो, अगर आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सारी चीज़ें समझानी है तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मतलब प्रॉपर आप अपने हिसाब से सेंसिटिविटी कैसे मैनेज कर सकते हो और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर एक मैं वीडियो बना दूंगा अच्छी सी, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना। एंड सेंसिटिविटी आप यूज़ करो, सेंसिटिविटी में नो डाउट बहुत अच्छी सेंसिटिविटी है। अब सिर्फ आप यही सेंसिटिविटी मैं तो कहूँगा कुछ छेड़ना नहीं है, बस जैसे मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा वो वाला काम कर लेना जिससे कि थोड़ा सही हो जाएगा, और बाकी प्लेइंग स्टाइल आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। सेंसिटिविटी बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली है, यूज़ करो और तबाही मचाओ। लेकिन यार बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार देखो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है, आपको समझ में आती है कि सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ आप लोग नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। तो यार देखो थोड़ा सा सपोर्ट तो मुझे भी कर सकते हो और बाकी लाइक भी कर सकते हो वीडियो को अगर आप लोग चाहते हो तो, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है, बस लाइक कर देना अगर मज़ा आ रहा हो वीडियो देखने में। और कमेंट में ये जरूर बताना कि इससे जो पहले वाला मेरा क्लचेस वाला वीडियो था, गेम प्ले था, वो वाला ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा या फिर मैं इस टाइप के हाई किल गेम प्ले लेके आऊँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल देखो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। और हाँ चमन चाचा के लिए कुछ टिप्पणी जरूर कमेंट में कर देना। तो बाय, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।